Being brand Sona. तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं, शी इज नन अदर देन अनिल कपूर की बेटी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एनएस रोस्टर और आज की वीडियो में आने वाला है बहुत मजा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और फिर देखते हैं हमारी वीडियो को। But so nowhere else in any other film industries do actors talk about themselves as brands apart from India. Why do you think that is? I don't think that's true. People need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me. Like, you know, because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everybody wants something that, you know, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? You need to be relevant in terms of you need to be happening and you need to be fun. I mean, there's not many people who want to go to the cinema anymore. तो सोना मंटी, हमें ये बताइए कि आपकी मूवीज देखना कौन चाहता है, आपकी मूवीज के लिए टिकट खरीदना कौन चाहता है? यार कभी कभी अनिल कपूर भी बैठ के यही सोचता होगा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। Guys, please comb your hair. You know this gel look not happening anymore. That was very 90s. अकॉर्डिंग टू सोना मंटी, जेल इज सो 90s, यू नो, और दिस हेयर स्टाइल जो उन्होंने बना रखा है, ये हेयर स्टाइल है काफी ज्यादा 60s. यू कैन कंपेयर इट, राइट? नथिंग, 65,000. आई सेल इन द विल 65,000. सो आई गेस ओनली 60, ओनली 65,000 इज लॉट. 5,000 इज द ऑफर. I get much more, darling. Don't you see my outfit? I get much more, darling. Don't you see my outfit? I think women are multitaskers and are capable of earning, running. Women run the bloody country. I mean, the women. I don't know if they're running it very well right now, but yeah, they. What? Yeah, it's Battle for Pitora story internet pe hai. Aapko dikhai degi, but. अबे क्या बकवास कर रही है यार? तो और क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आयुष्मान खुराना की तरफ से? मीनवाइल मेरे हिसाब से तो यही मतलब है कि उनके जो शक्ल देखो, अच्छे से एक्सप्रेशन पे अगर हम ध्यान दें तो वो यही शायद मन में सोच रहे होंगे। ये मेरे थॉट्स हैं, अगर उनके कुछ और होंगे तो भी समहाउ काफी सिमिलर होंगे। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्लिप को। यहाँ पे भी इनने ऐसी ही कुछ ना कुछ अपनी बेवकूफी का परिचय दिया है। Go get your tickets 1 week before the film opens, Like, सारी दुनिया को 90s का बोलने वाली मैडम को इतना भी नहीं पता है कि हम टिकट्स जो हैं वो 1 week बिफोर ले सकते हैं। मतलब क्या इनका कॉमन सेंस है? किस जमाने में ये बैठी हैं? इनके बारे में ये खुद ही जाने। Someone who is successful to a certain degree, I've made the choice to actually date people who are not on paper as successful or as well off as I am. अब इनकी इतनी सारी बकवास सुनने के बाद किसी का भी और क्या रिएक्शन हो सकता है? लेटर ऑन ये तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अलग अलग जगह पे बकवास की हुई है, लेकिन इनने ट्विटर पे कुछ कम गंदगी नहीं मसाई है। राइट, ट्विटर में इनके द्वारा फैलाया गया कचरा से हम सब वाकिफ हैं। तो जरा देखते हैं इनने और क्या क्या गंदगी मचाई है। पहला देखते हैं तो हर दूसरे सेलिब्रिटी की तरह सोनम मैडम भी लगी हुई थी प्रकृति बचाने के ज्ञान देने में। वे भी समझा रही थी बड़े अच्छे से कि किस तरीके से हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, हमें हमारे नेचर को बचाना चाहिए। तो आप जानते हैं हमारी पब्लिक को, तो किसी ने उन्हें टैग किया और कहा कि इट्स बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू हु डू नॉट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लेस फ्यूल कंजप्शन व्हीकल्स। यानी कि ये उन्हें सीधे सीधे कह रहे हैं कि इन जैसे ही लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी यूज नहीं करते, कोई भी ऐसा व्हीकल्स यूज नहीं करते जिसमें फ्यूल कंजप्शन ना हो ज्यादा, और फिर आके बहुत सारा ज्ञान भर भर के पब्लिक को देते हैं। मतलब खुद तो ये बात समझते नहीं है कि अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करने की वजह से क्या क्या परेशानी होती है, और फिर उसके बाद आपका ये सब प्रॉब्लम्स आप जनता को समझाने लगते हैं। तो ये बात इस इंसान की भी सही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक सेलिब्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हो सकता है कि वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जा सकता। अगर सोनम मैडम यानी कि अनिल कपूर की बेटी जी अगर कुछ और कहती या जो मैंने कहा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखती तो ये बात लोगों को हजम हो जाती है, लोगों को समझ में आती। पर इन्होंने जो जवाब दिया ना, वे बहुत ही ज्यादा अप्रतिम था।
ये मैडम कहती हैं कि एंड दैट्स इट एंड इट्स बिकॉज़ ऑफ मेन लाइक यू दैट वुमेन फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर फियर ऑफ बीइंग हैरेस्ड. दैट मींस कि जितने भी वुमेन हैं वो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करती क्योंकि वो उनको कोई हैरेस कर देगा. मतलब जो हम जैसी जितनी भी लड़कियां हैं जो ऑटोज यूज करती आई आज तक, जो बसेस में बैठती आई हैं, जो ट्रेन्स में ट्रैवल करती हैं, अगर मुंबई जैसे शहर की बात करें तो जो लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करती हैं, मतलब ये जितनी भी फीमेल्स रही हैं वो डेली हैरेस होती हैं सारी. क्या इतना भी नहीं होता है जितना आप लोग कई बार बोल जाते हैं? मतलब सीधे सीधे बोलो ना, तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करना है. हर एक इंसान को टारगेट करके, स्पेशली हर एक मेल को टारगेट करके इस तरीके से बोलने का क्या मतलब बनता है? इतने में मैडम को शांति कहाँ मिलेगी? इसके आगे और भी ट्वीट्स हैं. तो दिस ईयर फादर्स डे पे मैडम ने क्या ट्वीट किया? टुडे ऑन फादर्स डे आई'd लाइक टू से वन मोर थिंग. यस आई एम माई फादर्स डॉटर एंड यस आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम एंड यस आई एम प्रिविलेज्ड. That's not an insult. My father has worked very hard to give me all this. And this is my karma, where I am born and to whom I am born. I am proud. So start तो बहुत सही रही है ना. बहुत अच्छे से इन्हें अपने फादर को थैंक्स कहा कि ये सब कुछ इन्होंने बहुत मेहनत से मिला है. इनके फादर ने, यानी कि अनिल कपूर जी ने, काफी मेहनत की है इस इंडस्ट्री में. हम सब इस बात से अग्री करते हैं. लेकिन ये जो लास्ट की दो तीन लाइन जो थी, एंड इट इज माई कर्मा वेयर आई एम बॉर्न एंड टू हूम आई एम बॉर्न आई एम प्राउड, यानी कि ये इनके कर्म हैं, ये इनके पिछले जन्म के कर्म हैं कि ये यहाँ पे इस बार पैदा हुई हैं, किसके घर में पैदा हुई हैं, और इस बात पे इन्हें बहुत गर्व है. बाकियों का क्या? मतलब बाकियों ने इतने अच्छे कर्म किए ही नहीं है ना कि वो कपूर खानदान से बिलोंग नहीं किए. एंड आई थिंक बहुत अच्छा हुआ है. हम सब पापी ही सही है, और हम आगे की ट्वीट देखेंगे. इतने सारे पाप जो किए हैं ना हमने पिछले कर्म में, हम बहुत बहुत खुश हैं अपने पाप के करने के बाद. तो इन मैडम का ये वाला कमेंट तो आप सभी को याद होगा जब इन्होंने लास्ट ईयर ऐश्वर्या राय को आंटी कहा था. उसके बाद से ये सोनम आंटी के रूप में फेमस हो गई, और आज भी हम सब इन्हें सोनम आंटी कहते हैं. और क्यों कहते हैं इस बात में कोई डाउट नहीं है. इस जो भी आर्टिकल में लिखा है, अगर मैं इसके ये दो पिक्चर्स जो थी, मैंने सिर्फ इसी के लिए एक क्लिप डाली है, ये दो पिक्चर्स को ढंग से लिखिए और मुझे बताइए कि ज्यादा खूबसूरत कौन लग रहा है, ठीक है? उसके बाद आप मुझे सोच के बताइए कि ये मैडम बोलने से पहले कुछ सोचती हैं. इसने बाद में इस बात का क्लेरिफिकेशन दिया कि ऐश्वर्या राय ने अनिल कपूर के साथ मूवीज की हैं, तो लॉजिकली ये उसे आंटी बोल सकती है. तो अकॉर्डिंग टू दैट सेंस ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के साथ मूवी की है, और इन मैडम ने भी सलमान खान के साथ मूवी की है, तो ये दोनों तो सेम एज हुई ना. इन मैडम का आईक्यू लेवल बस इतना ही है कि ये इतनी सी बात समझ सके. तो इस वाली स्टेटमेंट के लिए क्या ही कहा जाए. इसके लिए तो मैं आपको आगे की कुछ पहले इमेजेस दिखाना चाहती हूँ. अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, राजकुमार राव एंड नन अदर देन मनीष मल्होत्रा एंड सब्यसाची, इन सबको कहाँ सेंस है फैशन का? इनमें तो मतलब फैशन का एफ भी नहीं पता है. इन्हें कुछ नहीं पता है कि कपड़े क्या होते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, क्या किया जाता है. और ये मेल्स नहीं है, ये मेन नहीं है, अगर इन्हें सेंस है तो. क्योंकि मैं ये सवाल सीधे सीधे सोनम मैडम से ही पूछना चाहूंगी कि इन लोगों को ये क्या कहती हैं. तो यहीं पे इन मैडम की बकवास खत्म नहीं होती. इन्होंने फिर से ऐसा ही कुछ कहा. इन्होंने कहा कि अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो आपको लोग एक अच्छा एक्टर मानते हैं. पहली बात, आप अच्छी नहीं दिखती और आपको कोई अच्छा एक्टर नहीं मानता है. सेकेंडली, ऐसे बहुत सारे गुड लुकिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं इस इंडस्ट्री में जिन्हें हम बहुत अच्छे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के रूप में जानते हैं. Take a look at these. तो चाहे हम कंगना रनौत की बात करें या बात करें अजय देवगन की, माधुरी दीक्षित हो, ऐश्वर्या राय हो, विकी कौशल हो, आयुष्मान खुराना हो, राजकुमार राव हो, दीपिका पादुकोण हो, रणवीर सिंह हो, प्रियंका चोपड़ा हो, या फिर हो ऋतिक रोशन, कोई भी हो, इन सभी सेलिब्रिटी एक्टर्स ने, इन सभी कह सकते हैं सुपर स्टार्स ने इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं. और इनके अलावा और भी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम, मतलब अगर मैं लिस्ट में इसमें इमेजेस में डालती जाती ना तो वो मेरी वीडियो न जाने कितनी लंबी हो सकती थी. क्योंकि ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स की कमी नहीं है हमारे बॉलीवुड में. वो अलग बात है कि उनकी कोई कदर नहीं है. तो ऐसे हमारे पास कई एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, और हर यहाँ पर जितने भी मैंने एक्टर एक्ट्रेसेस की मूवीज डाली हैं वो बहुत चंद हैं. मतलब बहुत कम मूवीज का मैंने नाम दिखाया है. इन सभी एक्टर्स ने अपनी हर दूसरी मूवी में इतना माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस किया है कि उसका कोई जवाब नहीं.
अरे ये मैडम है, अगर मैंने इनकी मूवीज की लिस्ट निकाल दी ना तो आप फिर देखते रह जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है भाई, ये मैडम क्यों इतना बकवास करती हैं, खुद की मूवीज चलती नहीं है, दूसरों पे कमेंट करती हैं, गुड लुकिंग वाला बहाना करती हैं, सोचती हैं खुद बहुत सुंदर हैं इसलिए इनकी मूवीज नहीं चलती हैं। मतलब बहानों की झड़ियां देखिए इनकी, कि लोग कुछ ना कहें तो उसके लिए कोई भी बहाने लगा दे। मीनवाइल इनकी ये ट्विटर के कमेंट्स और हर चीज, मतलब इनके ट्वीट्स वगैरह सबको ही पढ़ते हैं, तो हमारे बॉलीवुड के बाकी सेलिब्रिटीज भी पढ़ते हैं, तो उन्हीं में से एक विवेक ओबराय जिनका अब करियर तो वैसे कुछ बचा नहीं थैंक्स टू सलमान खान, बट इन्होंने भी कमेंट किया, वो कमेंट क्या है और वो कितना सच्चा है जरा एक बार उसे भी सुनिए। बट आपने जो ये बात लिखी है तो इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूंगा आपका, कि आई फील पर्सनली सोनम, थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूंगा आपको, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर, बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग कूल बनने के लिए ट्विटर पे ये सारी चीजें लिख देते हैं, बट इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये कूल नहीं फूल बन रहे हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक प्लीज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही हैं, एंड देन हम आपके इस पसंद को बरकरार रख पाएंगे, हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को जितना हो सके, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, या आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, किसी और का रोस्ट कराना चाहते हैं आप, तो प्लीज कमेंट पे जरूर बताइएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।